हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अकीलास किचन। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे। ईद स्पेशल में हम बनाएंगे अहमदनगर के फेमस गुलगुले, और इसी के साथ हम बनाएंगे कुछ अलग से पाइनएप्पल गुलगुले। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं फ्रेंड्स। पाइनएप्पल गुलगुला हम मैदे के आटे से बनाएंगे, और जो स्पेशल गुलगुला है वो हम बनाएंगे घी के आटे से। वो हेल्दी होता है, और पाइनएप्पल गुलगुला भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक पाइनएप्पल लिया है पूरा, पर आपको आधा ही लेना है। इसका सेंटर का आपको हिस्सा नहीं डालना है, साइड का ही आपको डालना है। वो हल्का थोड़ा कड़वा होता है, अगर आपका कड़वा नहीं होगा तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। इसकी हमें प्यूरी बनाकर लेनी है। इसमें हमें ऐड करना है 3/4 कप जितनी शुगर, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना, और आधा कप दूध इसमें ऐड करना है। इस तरीके से आपका इसका प्यूरी आपकी बननी चाहिए फ्रेंड्स। प्यूरी हम एक बड़े से बाउल में ऐड कर देंगे। फिर हमें सौंफ लेना है, जिसे हमें इस तरीके से कूट लेना है फ्रेंड्स। देखिए, आयशा भी हेल्प कर रही थी कूटने के लिए। आपको अच्छी तरीके से उसे कूटना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप जितना हम इसमें मैदा डालेंगे, देखिए, और 1/4 कप जितना हम इसमें रवा ऐड करना है। इसमें ऐड करना है इलायची पाउडर, इसमें ऐड करना है तिल, और हमें इसमें ऐड करना है खसखस और सौंफ, और आधा चम्मच हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम डालना है, और फूड कलर डालना है ऑरेंज, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डालना है। और जो पल्प हमने थोड़ा सा निकाल कर रख दिया था आधा कप जितना, पहले हम देखेंगे कितना हमें यूज होता है उस हिसाब से। पहले हम इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपके पास बीटर हो तो आप बीटर से मिक्स करना। जो पल्प हमने साइड में निकाल कर रखा था वो भी हम थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे फ्रेंड्स। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हमें पतली सी नहीं चाहिए, थिक ही चाहिए बैटर, क्योंकि थोड़ी देर हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे, खुद ब खुद ये थोड़ा पतला होने लगता है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी फ्लोटी, एकदम परफेक्टली है, देखिए। और हम इसे 5 मिनट ही इसे रेस्ट करने के लिए रखना है, पर आपको इसे अच्छी तरीके से बीट करना है फ्रेंड्स। लगभग आपको इसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करके आप थोड़ा इसे रेस्ट करने के लिए रख देना। देखिए, ज़्यादा क्वांटिटी में ही तेल डालना, क्योंकि तेल में ही वो अच्छी तरीके से फ्राई होते हैं। और डालने से पहले ना आप हाथों से इस तरीके से अच्छी तरीके से उसे फेंट लेना फ्रेंड्स, क्योंकि हाथों से ही इसे डालना। पानी का हाथ लगा कर आप इसे डालना, तो ईजिली वो नीचे गुलगुला हमारा गिरता है फ्रेंड्स। थोड़ा तेल का टेम्परेचर चेक करना, फिर उसके बाद ही आप डालना। तेल का जो हमें टेम्परेचर एकदम हाई चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से आप गुलगुले डालते जाना फ्रेंड्स। जितने आपकी कढ़ाई में फिट हो रहे उस हिसाब से आप डालना। इस तरीके के मैदे के आटे के भी आप ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऐसे सेम प्रोसेस से हमने आम के भी गुलगुले बनाए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी फ्रेंड्स। वो भी काफी टेस्टी बनते हैं। अभी सीजनल आम का भी है, तो आप आम के भी गुलगुले बना सकते हो, और पाइनएप्पल का भी काफी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ रहा था फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई करना ईद पे, इंशाल्लाह सबको काफी अच्छे लगेंगे। नीचे से अच्छी तरीके से होने के बाद हम इसकी साइड चेंज करें। देखिए, माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से फूले फूले बन जाते हैं फ्रेंड्स। और हम इसे एक एक करके डालते जाएंगे, और हमें निकालते जाना है फ्रेंड्स। देखिए, तेल का टेम्परेचर आपको अच्छा हाई चाहिए, अंदर तक पकना भी चाहिए। उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से स्लो गैस पे पकाना फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ज्यादा इसका ओवर डार्क कलर मत करना, नॉर्मल ही इसे रखना फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से हमारे हम सारे गुलगुले तल लेंगे पाइनएप्पल के। साइड चेंज करते हुए आपको इसे अच्छी तरीके से पकाना है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप कमेंट करके बताना आपको हमारे ये दोनों गुलगुले की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी और यम्मी है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से हम सारे गुलगुले हमारे तल लेंगे। देखिए, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे, तिल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहे। देखिए, आयशा को भी एक्चुअली काफ़ी अच्छे लगे थे, वो भी एक खा रही थी। देखिए, अंदर तक एकदम जालीदार बने थे, और टेस्टी भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जैसे वो ठंडा हो गया था ना, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट, और पाइनएप्पल का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा था। जो हमारे सेकंड गुलगुले हैं अहमदनगर के, काफ़ी स्पेशल है ये। इसमें हम 1.5 कप जितना घी का आटा लेना है फ्रेंड्स। देखिए, और ये हमें 300 ग्राम जितना गुड़ लेना है, मीठा आपके हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट करना है। खसखस लेना है, तिल लेना है, और सौंफ लेना है फ्रेंड्स। एक एक चम्मच आप ये तीनों भी लेना फ्रेंड्स। पहले हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है, तो आप एक कढ़ाई ले लेना, उसमें आपको पानी डालना है। 1 कप से आपको पानी डालना है फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ज़्यादा पानी मत रखना। और उसमें हम डाल देंगे गुड़ को, हमने बारीक फाइन सा चॉप कर लिया था, तो इजीली वो मेल्ट हो जाता है। और आपको इसे गुड़ को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिर्फ गुड़ को गर्म पानी के जैसे मेल्ट करते हैं ना, उस तरीके से आपको सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। देखिए, इस तरीके से गुड़ हमारा परफेक्टली मेल्ट हो चुका है।
और ठंडा होने के बाद ही हम इसे आटे में मिक्स करेंगे। एकदम गरम गरम भी आप इसे आटे में मिक्स मत करना फ्रेंड्स, देखिए। और ये सौंफ को हम कलबत्ते में इस तरीके से कूट लेंगे, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है सौंफ डालने से फ्रेंड्स। और देखिए हमारा बैटर जो हमने तैयार किया था चाशनी गुड़ की, उसे हमें छान कर लेना है क्योंकि गुड़ में काफ़ी कचरा होता है, उस हिसाब से आप छान कर ही लेना। और एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हम 1.5 कप जितना आटा डालेंगे फ्रेंड्स घी का, और जो सौंफ हमने कूट कर रखी थी वो भी हम डाल देंगे। तिल डाल देंगे, तिल से काफ़ी क्रंचीनेस आता है फ्रेंड्स। खसखस डाल देंगे फ्रेंड्स, और इलायची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ा टेस्ट के लिए नमक डालना है, और इसमें खाने का थोड़ा पिंच के हिसाब से आप डालना, बहुत ज़्यादा ओवर भी आप मत डालना। इससे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमने गुड़ की चाशनी तैयार की थी ना, वो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए हम डालेंगे देखिए, और एकदम ठंडा होने के बाद ही आपको डालना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, और इसे जो चाशनी में आप थोड़ा कलर ऐड कर देना तो एकदम मार्केट वाला फील आता है। और इस तरीके से हमारे इधर बनाते हैं, हमारे इधर ना मेहंदी का फंक्शन होता है, ऐसे रज्जे का बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी बनते हैं फ्रेंड्स ये, और ईद पे हर किसी के घर में बनते ही बनते हैं फ्रेंड्स ये। देखिए इस तरीके से आपको इसे मिक्स करना है, आप बताना आपको ये कैसे लगे। बहुत ही फेमस और हर किसी के घर में ये बनते ही बनते हैं फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे ये अहमदनगर के स्पेशल गुलगुले फ्रेंड्स। और आपको लग रहा है कि आपका गुड़ की चाशनी ख़त्म हो गई, उसके बाद अगर आपको बहुत थिक हो जाता है बैटर तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आपको बीटर से हटाकर आपको हाथ से इसे अच्छी तरीके से करना है फ्रेंड्स। देखिए जितनी आपको जितनी अच्छी तरीके से इसे बीट करोगे, मालिश करोगे ना, वो गुलगुले उतने फूले फूले बन जाते हैं और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए और कलर डालने से ना इसका काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, ना तो वो हल्के थोड़े काले जैसे लगते हैं ना, तो मम्मी क्या करते हैं हमेशा से इसमें कलर ही ऐड करते हैं। देखिए बीटर से बीट करना, या आपको हाथों से होता है तो आप हाथों से करना, मोस्टली जब ना बनाते हैं ना हमारे घर में दादी वो लोग, तो वो लोग हाथ से इस तरीके से अच्छी तरीके से फेंटते। देखिए इस तरीके से लगभग आपको उसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंटना है। देखिए इस तरीके से, और हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है, हम इसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, और इसे हम क्या करने, बड़ी सी कढ़ाई में हम इसे तलना है ताकि इसको स्पेस भी चाहिए फूकने के लिए। और आप देखिए सेट भी कितने अच्छे तरीके से हो चुका है हमारा आटा, तेल का टेम्परेचर आप चेक कर कर फिर डालना, और आप पानी का इसे थोड़ा हाथ लगा कर तो वो इजीली नीचे गुलगुला हमारा चले जाता है तेल में। देखिए फ्रेंड्स सारे हम गुलगुले इस तरीके से तल देंगे, और ईद के दिन मतलब कुछ ऐसे स्टार्टर भी बनता है, और हमारे घर में मोस्टली गुलगुले भी बनते हैं, दम की सेवैया बनती है फ्रेंड्स, उसकी रेसिपी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स। देखिए ईद वाले दिन ना हमारे घर में गुलगुले, भजिए, फिर एक स्टार्टर, फिर अगर कुछ ग्रेवी बनाना होता है ग्रेवी बनाते हैं ना, तो पुलाव, बिरयानी, इस तरीके से हमारे घर में पूरा प्रिपरेशन ईद का होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ में वो भी ब्लॉग शेयर करूंगी फ्रेंड्स। देखिए कितने फूले फूले बन गए आप लोग देख सकते हो, और आपको इसका बहुत ज़्यादा ओवर डार्क कलर नहीं चाहिए, इसका ये कलर जो है ये परफेक्ट है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आप सारे गुलगुले तल कर लेना, और ज़रूर कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आपको हमारे कौन से गुलगुले अच्छे लगे, पाइनएप्पल के या ये वाले फ्रेंड्स, दोनों भी काफ़ी टेस्टी और यम्मी बने थे फ्रेंड्स, आप दोनों ट्राई करना। आप इफ्तार टाइम पे भी इसे बना के इंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स, अभी और 2-3 रोज़े बाकी है, तो आप बनाना इसे और कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। देखिए परफेक्टली हमारा ये कलर है, और इस तरीके से हम इसे निकालते जाएंगे, और जो हमारा सेकेंड वाला बैच है वो भी हम डालते जाएंगे फ्रेंड्स। और आप कमेंट करके बताना आपको ईद का और कौन सी रेसिपी देखना है, मतलब कौन सी ग्रेवी देखना है, बिरयानी देखना है, आप लोग कमेंट करके बताना, इंशाल्लाह मैं आपके साथ में रेसिपी ईद स्पेशल की शेयर करूंगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से हम हमारे गुलगुले डालते जाना है, देखिए खुद ब खुद वो ऊपर आ जाते हैं और खुद ब खुद वो फ्राई होने लगते हैं फ्रेंड्स। देखिए और हम इसे निकाल लेंगे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एकदम बन गए हमारे गुलगुले। देखिए अंदर तक भी इतने जालीदार और इतने सॉफ्ट बने थे फ्रेंड्स, देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना।